बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? उम्मीद है सब खैरियत के साथ होंगे। तो जी, आज हमारे किचन में बन रहा है बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी सा एग सैलेड। मैं बना रही हूँ क्रीमी एग पोटैटो सैलेड, बहुत ही अच्छा है। थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है आपको कैसा लगा ये सैलेड। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो आइए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया एक बाउल और इसमें मैं 4 टेबल स्पून मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ। और जी, मायोनीज़ मैंने ऐड कर लिया है। अब इसमें हम सॉल्ट ऐड कर रहे हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट ऐड कीजिए। और वाइट पेपर हम 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। और जी, इसके बाद हम ऐड करेंगे शुगर 1 टेबल स्पून। और जी, ब्लैक पेपर भी हम 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे। तो जी, गार्लिक चॉप्ड मैंने 1 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। और हम इसे बहुत अच्छे से अब मिक्स करेंगे। बहुत ही मज़े का है और हेल्दी भी है। मैं अब इसमें कुकिंग क्रीम 3 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ और बहुत जल्दी बन जाता है, क्विकली बनता है। तो सब तमाम चीज़ों को हम अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैंने एग्स लिए थे, उनको बॉईल किया, 3 अदर और बारीक चॉप किए हैं एग जी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और जिसके बाद मैंने 4 अदद पोटैटोस लिए थे, उनको भी बॉईल किया। और 2 अदद मैंने ली थी गाजरें, उनको भी बॉईल किया और उन्हें भी मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। और जी, ये लिया था हरा प्याज, ये 3 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी और ज़बरदस्त सा सैलेड है। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और जी, मुझे ज़रूर बताना है आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो जी, सैलेड हमारा हो गया है रेडी, अब हम इसे करेंगे डिश आउट और डेकोरेट। तो जी, मैं इसको करूँगी एग और ग्रीन अनियन से डेकोरेट। तो जी, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जी, आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। आप सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। अल्लाह हाफिज़।